अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको आलू चिप्स की रेसिपी बता रही हूँ और मैं आज की वीडियो में जो है हैदराबादी टोन में बात कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा ये मेरा टोन, क्योंकि मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि चलो एक वीडियो हैदराबाद टोन में बात करके वो करेंगे बोल के। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करी, सबसे पहले दो आलूआँ ले ली। ये जो आलूआ है इसको रसेट पटेटोस बोलते हैं। आप चाहे तो गोल्ड पटेटोस भी ले सकते हैं। गोल्ड पटेटोस मतलब वो थोड़े छोटे वाले रहते हैं और थोड़े गोल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रसेट पटेटोस को ली, उन लोगों को अच्छे से धोली में रब करके, उसके बाद मैं एक स्क्रब लेके उससे ये आलूओं को घस रही हूँ। तो क्या होता है, कुछ भी किरक हुए है आलूओं के ऊपर तो वो निकल जाती है। कहीं को बोले तो ये जो आलू का जो छिलका है वो भी हमारे को तलना है। यहाँ पे मैं आलू का छिलका नहीं निकाली यहाँ पे, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा स्क्रब करके धो ली। धो के उसको मैं साफ पानी से भी धो के ला ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको बारीक बारीक काट रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये कटोरे में ठंडा पानी भी रख ली। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले आलू के जो एंड्स है वो निकाल दे रही हूँ। उसके बाद आलूओं को क्या करना, बारीक बारीक स्लाइस करना, इतना बारीक कि वो पेपर थिन रहना। अगर आप इसको मोटा मोटा काट दिए तो आपके आलूआ चिप्स तो नहीं बनते, भजिए बन जाते हो। इसलिए आप इसको बहुत बारीक काटिए, और ऐसा काटने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करके क्या करिए, इसको ऐसा काट लीजिए। और अगर आपको नियारा छुरी से काटने तो आप मैंडोलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर घर पे है वो तो यूज़ कर लो, मेरे पास भी है लेकिन मेरे को उसे यूज़ करना उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं निकाली और मैं यहाँ पे छुरी से जिसको कट कर ले रही हूँ। तो ये जो आलू है उसको अच्छा पेपर थिन कट कर लेके मैं उसको ठंडे पानी में डालते जा रही हूँ। ठंडे पानी में डालने के बाद मैं आलूओं को लेके जाके अब दो बार धो लेके लाती हूँ। उससे क्या होता है, इसका स्टार्च निकल जाता। धो के ला लेने के बाद मैं इसको ठंडे पानी में 2 घंटे के वास्ते छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँ। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन भी क्लिक करो, और अगर वीडियो अच्छी दिखती तो लाइक भी कर सकते। 2 घंटे हो गए, अब मैं किचन में आ गई और एक क्लीन टॉवल ले ली मैं यहाँ पे, और उसमें मैं ये जो आलूआ है वो डाल रही हूँ, आलू के जो स्लाइसेस है। अब मैं इसको अच्छे से सुखा रही हूँ। कहीं को बोले तो अगर आप कच्चे आलूआ लेकर गरम तेल में डाल दिए तो तेल पूरा आपके ऊपर उड़ जाता, या फिर इधर उधर पूरा उड़ जाता। अगर बच्चे वगैरह खेल रहे हैं आसपास तो ये डेंजरस रहता, इसलिए आप इसको पहले अच्छा सुखा लेना। अरे नहीं, चलो वैसे डाल देंगे बोले तो फिर आप कुछ प्रॉब्लम हो जाती। तेल भी मैं पहले चूल्हे पे चढ़ा दी थी, ये गरम भी हो गया। अब क्या कर रही हूँ मैं, ये जो आलूआ है इसको, ये जो स्पून है इसमें, ये जो स्पैचुला है इसमें मैं लेके हल्लू हल्लू तेल में उतार रही हूँ। अगर आप एक साथ हाथ से लेके तेल में डाल दिए तो वो भी डेंजरस है, आपका हाथ भी जल सकता है, या फिर आप तेल क्या है आपके मुँह पर भी उछल जाता है। इसलिए आप इसको जैसा मैं बताई आपको वैसे ही डालिए तेल में। और आलूआ तलने के वास्ते बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा सब्र रखें। कहीं को बोले तो आलू तलने में 10 से 15 मिनट लगते हैं चिप्स बनने में, तो आप ये जब तक तल रहे हैं आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे ठहर के उसको घूर लेते ठहरे तो वो जल्दी नहीं होते, आप दूसरे काम भी कर सकते जब तक। और तेल आप साफ़ तेल लेना, अगर आप ऐसा तेल लेते जो पहले से आप यूज़ करें कुछ भी तलने के वास्ते, जैसे आप उसमें मच्छी तले या कोई दूसरी चीज़ें भी तले, वैसा तेल लिए तो क्या होता है, ये चिप्स जो है अच्छे नहीं बनते। वो जो उसका जो कचरा रहता है वो तेल में तले सो, वो तो पूरा चिप्स के ऊपर चिपक जाता। ये एक्सपीरियंस मेरे को 2 दिन पहले हुआ, इसलिए मैं आपको बता लूँ। अब उसके बाद चिप्स तलने के बाद आप उसको एक ट्रे में निकाल लेना जिसमें पेपर टॉवल रहता, पेपर टॉवल पे निकालना तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर लेता, नहीं तो पूरा तेल आपके ट्रे के नीचे ही रह जाता।
अब यहाँ पे मैं दूसरा बैच भी तल ले रही हूँ, इसको भी सेम 10-15 मिनट लगते हैं। मेरे पूरे चिप्स तल गए थे, मैं उसको निकाल ली, थोड़ा सा ठंडे भी हो गए और वो बहुत क्रिस्पी भी हो गए। अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, एक बोल में निकाल रही हूँ। कहीं को बोले तो यहाँ पे मेरे को अब मसाला डालना है इसके अंदर। अब फीके चिप्स तो खा नहीं सकते, आप इसमें नमक भी डाल सकते, मिर्ची भी डाल सकते या दोनों चीज़ें भी डाल सकते। तो मैं पहले थोड़ा नमक डाल रही हूँ यहाँ पर और फिर थोड़ी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। एकदम आप ज़्यादा उंडल दिए उसमें तो फिर आप चिप्स नहीं खा सकते, तो थोड़ा देख समझ के डालिए। अब इसको अच्छा आप क्या करना है, सा उछाल उछाल के टॉस कर देना इसको, उसके बाद एक बोल में निकाल लेना। निकाल के आप वैसे भी खा सकते या फिर आप टमाटो केचप या कुछ भी ऐसा है घर में सॉस हुए तो उससे के साथ भी आप इसको खा सकते। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। आप भी घर में चिप्स बनाओ, अपनी फैमिली को खिलाओ, बच्चों को दो। लॉकडाउन है तो नए नए चीज़ें बना के घर में खाते जाओ, दूसरों को भी खिलाओ। तो वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।